हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर एंड एलियन हैंड बुक से चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। इसके सेकेंड पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, करी बिकम्स फोन ऑफ राइप बनानास। इसके पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था कि करी को क्या खाना पसंद था, पेड़ की ट्विक्स खाना पसंद था। बट यहाँ पे इस पार्ट में हम देखेंगे कि अभी करी को राइप बनानास खाना भी पसंद है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। देखो, करी का बिलीव किस पे था कि अगर उसका फ्रेंड परेशानी में है तो उसकी स्वयं सहायता करने पर उसका बिलीव था। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व। डिग्निटी क्या होता है? आत्मसम्मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, करी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए चाइडिंग का मीनिंग होता है डांट खाना। ठीक है, तो डांट भी वो खाता है। ठीक है, मतलब डांट भी सुनता है। अब देखते क्या है इस पार्ट में। करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर। अब यहाँ पे देखो क्या बताया, करी बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है। छोटे बच्चे को नहीं क्या बहुत कुछ, मतलब जब छोटा रहता है तो सिखाना पड़ता है ताकि बड़ा होकर ये अच्छा इंसान बने, है ना। तो उस टाइप से करी को भी सिखाना पड़ रहा था। अगर नहीं सिखाते तो क्या होता, ये बड़ा होकर नॉटी शरारती बनता और बहुत ज़्यादा मिस्चिफ मतलब शरारत करता। फॉर इंस्टेंस क्या होता है, उदाहरण एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसे। वन डे, एक दिन क्या होता है, समबड़ी कोई आता है, गिव हिम सम बनानास टू ईट, और करी को बनानास देता है खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। बहुत ही जल्दी खाने के बाद जो है ना, करी को बनानास पसंद आते हैं। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। अब यहाँ पे कीपर बताते कि उनके घर में विंडो के पास जो डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट रखी हुई रहती थी जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हुआ करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन क्या होता है, उस प्लेट में से सभी बनानास डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाते हैं, और मेरी जो फैमिली है वो सर्वेंट्स मतलब नौकरों को ब्लेम करते कि इन्हीं लोगों ने सभी फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ से गायब किए होंगे। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिनों के बाद फिर से फ्रूट वहाँ से गायब हो जाते। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस बार तो ब्लेम मेरे ऊपर आ गया था कि मैंने सभी फ्रूट्स वहाँ से गायब कर दिए। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे अच्छे से पता था कि ये काम तो मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, तो ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैंने तो खाया भी नहीं और ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और मुझे लगता था कि सभी फ्रूट्स जो है ना, या तो मेरे पेरेंट्स ने तो फिर सर्वेंट्स ने यहाँ से गायब कर दिए होंगे, और उनको लगता था कि मैंने वो फ्रूट्स गायब किए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन। अब यहाँ पे देखो क्या बताया कि नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट्स वहाँ से गायब होते तो जो कीपर है वो क्या देखते कि करी का जो पवेलियन है, मंडप है, वहाँ पर कुछ बनाना स्मैश्ड का मीनिंग क्या होता है, कुचलना, है ना। तो कुछ कुचला हुआ सा बनाना वहाँ पे गिरा हुआ था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। अब ये जो स्मैश्ड बनाना वहाँ पे था, ये देखकर तो कीपर सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था कि करी बनाना भी खाता है। ठीक है, उन्हें तो बस इतना पता था कि करी को तो ट्विग्स पसंद है बस। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। मतलब देखो, यहाँ पे कीपर ऐसे डाइनिंग रूम में बैठे थे और वो सोच रहे थे कि चलो कुछ फ्रूट्स खा लेता हूँ बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के। बट फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि इसके पहले के भी फ्रूट्स
कीपर नहीं खाए होंगे। तो फिर देखो क्या होता है, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। तो फिर सडनली क्या होता है, एक लॉन्ग बड़ी सी ब्लैक कलर का कोई, मतलब कोई चीज़ जो है ना विंडो से अंदर आती है स्नेक के जैसी, बिल्कुल जैसे स्नेक रहता है वैसी रहती है। और क्या करती है, थोड़े ही मतलब एक दो मिनट में सभी जो फ्रूट्स है, सभी बनानास है, वहाँ से गायब हो जाते। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स इट बनानास। तो यहाँ पे कीपर बोलते हैं फ्राइटेंड का मीनिंग क्या होता है, डरना। मैं तो बहुत डर गया था क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना था और देखा था कि स्नेक जो है वो बनानास खाते हैं, है ना। तो ये स्नेक कैसा था, बनाना खाने वाला था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल स्नेक एंड दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग ही टाइप का स्नेक है, टेरिबल डरावना स्नेक हो सकता है। दैट वुड स्नेक, स्नेक का मीनिंग क्या होता है, चोरी छुपे अंदर आना, ठीक है, जो चोरी छुपे अंदर आता है और सभी फ्रूट्स लेके चला जाता है। आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। मतलब कीपर यहाँ पे डर गए थे, उनको लगा कि मतलब फिर से स्नेक आ सकता है घर के अंदर और फ्रूट्स भी खाएगा और हम सब लोगों को भी खा जाएगा। तो इस डर से वो घर के बाहर निकल जाते। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैग डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। तो यहाँ पे कीपर बताते कि जैसे मैं घर के बाहर निकला तो मुझे मतलब पवेलियन की तरफ जो मतलब एलिफेंट की करी की जो बैक थी ना वो दिख रही थी कि पवेलियन के डायरेक्शन में चली जा रही थी। और इस टाइम कीपर बहुत डरे हुए थे तो उनको करी की कंपनी चाहिए थी, ठीक है, ताकि वो चीयर अप कर सके कीपर को। आई रैन आफ्टर हिम, तो जैसे जहाँ पे करी गया उसके पीछे पीछे कीपर भी गए द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो देखो वहाँ पे क्या होता है, कीपर देखते कि करी वहाँ पे क्या कर रहा था, बनानास खा रहा था। I stood still in astonishment. Astonishment क्या होता है, आश्चर्य, मतलब कीपर वहाँ पे आश्चर्य से खड़े थे। The bananas were lying strewn. Strewn का मीनिंग होता है यहाँ पे मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। तो सभी बनानास कैसे थे, बिखरे हुए थे all around him, करी के अराउंड में सभी बनानास बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk. फिर करी ने क्या किया, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया एंड रिच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और जहाँ पर करी खड़ा था वहाँ से तो दूर था एक बनाना, तो अपनी ट्रंक को वो स्ट्रेच करता है और उस बनाना को उठा लेता है। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज अ थीप। तो इस टाइम कीपर क्या ऑब्जर्व करते कि कारी ने जैसे जब अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया तो वो बिल्कुल कैसे दिख रही थी, जैसे कि उनको लगा था कि विंडो से कौन आ रहा है, स्नेक आ रहा है, बिल्कुल उसी टाइप की। तो यहाँ पे उन्हें रियलाइज्ड होता है कि वो स्नेक नहीं था, करी की ट्रंक थी। फिर देखो आगे क्या होता है, आई वेंट टू हिम pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruits this many weeks. तो फिर बहुत खुश हो जाते कीपर यहाँ पे और करी के ईयर को पकड़ते हैं और अपने पेरेंट्स के सामने लेके जाते हैं और उनको बताते कि देखो इतने हफ्तों से जो है ना मतलब हमारे घर से फ्रूट्स गायब हो रहे थे, बनानास गायब हो रहे थे, तो वो खाने वाला मैं नहीं, ये करी था, करी चोर है। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर कीपर जो है स्कोल्ड डांटना, बहुत डांटते करी को, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रेन एंड आई सेड टू हिम। क्योंकि देखो एलिफेंट जो होते हैं ना वो भी बिल्कुल बच्चों के जैसे होते हैं, बच्चों को जैसे हम समझाते हैं डांटते हैं तो बिल्कुल उसी टाइप से एलिफेंट के साथ भी किया जाता है। अगर वो गलती करते तो उनको डांटना है, वो समझ भी जाते कि हमारी मिस्टेक है करके। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आई सी यू, ओके नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्ट्रेलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड। फिर कीपर देखो कैसे डांटते, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसे चोरी करते दिखे तो बहुत मार पड़ेगी और मैं बहुत डांटूंगा भी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स।
और करीबी जानता था कि हम सभी लोग जो है बहुत एंग्री है, गुस्सा है करी से। इवन सर्वेंट भी, नौकर भी बहुत गुस्सा थे क्योंकि नौकरों पे भी ब्लेम मतलब किया था, है ना, पेरेंट्स ने कि इन्होंने फ्रूट्स खाए होंगे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनादर थिंग फ्रॉम दी डाइनिंग रूम। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था करी को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसके बाद करी ने कभी भी डाइनिंग रूम से एक भी चीज़ ऐसे कभी चोरी नहीं की थी। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वल्ड एज इफ टू थैंक देम। और इसके बाद अगर कोई करी को कोई फ्रूट देता भी था और अगर करी को पसंद आता था तो वो स्क्वल्ड, स्क्वल्ड मतलब चिल्लाना, मतलब बहुत खुशी से जो है चिल्लाता था थैंक यू बोलने के लिए। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your coin, in your own coin. देखो यहाँ पे क्या बताया कि अगर elephant को हम punish करते, अगर कोई वो गलत काम करता है तो वो accept कर लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने गलत काम कर लिया। But if you punish him without any reason, अगर बिना किसी वजह के अगर हम उनको पनिश करते तो वो क्या कर सकते, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो हमें उसका मतलब जवाब भी देते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स। तो ऐसा होता है। अब जो भी बचा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।